जय श्री रामचरित नमन बंदन आज हम विश्वश्रभा के पुत्र, पुत्र, पुत्र मेघनाथ की चर्चा कर रहे हैं बोलते हैं इसका मेघनाथ नाम इसलिए पड़ा कि उसकी आवाज में बादलों जैसी गड़गड़ाहट थी मान इतनी इतनी उसकी आवाज थी तो ये कहते हैं कि देह प्रवित रूपी लंका है और जिसका राजा रावण है गोस्वामी जी विनय पत्रिका मेघनाथ को काम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो कहते हैं कि रावण मोह का कुंभकर्ण अहंकार का और मेघनाद काम का प्रतीक है वो विनय पत्रिका में कहते हैं मोह दस मोलित्रांत अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी या काम विकार बहुत प्रबल है क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं अतः काम सबका बड़ा भाई है काम का अर्थ है कामनाएं। मुझे यह भी प्राप्त हो जाए मुझे वह भी प्राप्त हो जाए इस प्रकार की इच्छा का नाम काम है और मेघनाथ को जैसा अब कहा कि वो कामना का प्रतीक है उसका परिचय देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरित मानव जी बारीदनाद जेष्ठसुततासु भटमहु प्रथम लीक जगजासु जहि न होई रणसनमुख कोई सुरपुरनहि परावन होई मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जगत के अध्याव में वह अग्रगण्य था रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था स्वर्ग में तो उसके भैसे नित्य भगदल मची रहती थी और इसका क्या कारण है कि पाताल लोक से लेके स्वर्ग तक जितने प्राणी हैं सब कामनाओं के पराभूत हैं जिसको जो कुछ प्राप्त है संतुष्ट नहीं है वो कुछ और चाहता है कामना के बस में हो जाता है इसलिए मेघनाथ को विजय करने में कुछ देर नहीं लगती है क्योंकि वो काम का तो प्रतीक है रावण उसको आदेश देता है कि अभिमानी देवताओं को पराजित करो और उन्हें बांध कर लाओ अब ऐसा लगता तुलसीदास जी लिखते हैं इस आज्ञा का पालन करने में मेघनाथ को देर नहीं लगती है जैसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने पहले ही कर रखा हो इंद्रजीत सन जो कच्छु कहे सो सब जनु पहले ही कर ही रहा हो। ऐसा लगता है कि कहने के पहले उसने कर लिया था एक चित्र और विभीषण में मेघनाथ में आती है कि जैसे कुंभकरण है विभीषण है माल्यवंत है मंदोदरी आदि है ये रावण को युद्ध ना करने की सलाह देते हैं लेकिन मेघनाथ के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं आता कि वो नहीं कहता कि सीता जी को वापस कर दीजिए गलत काम कर रहे हैं वो रावण जो तो बोलता है उसको करने के लिए उसकी आज्ञा मानने के लिए कोई प्रतिरोध नहीं करता है तो इसमें तो कहते हैं कि जो मेघनाथ को रामकिंकर जी बोलते हैं अपने उसमें कि ये मूर्तिवान काम है और दूसरी ओर उसके प्रतिद्वंदी जो है लक्ष्मण जी हैं जिन्हें गोस्वामी जी ने घनीभूत वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया है वैराग्य और काम के संघर्ष में अंत गत्ता विजय तो वैराग्य की ही होती है क्योंकि लक्ष्मण जी मेघनाथ को मानिम समर्थ होते हैं पर इस विजय की प्रक्रिया में गुजरते हुए वैराग्य को भी पराजय का सामना बीच में करना पड़ता है मूर्छित होना पड़ता है वैराग्य को भी काम छोड़ता नहीं है उसको भी युषित करता रहता मेघनाथ दो जगह आता है रामचरितमानस में एक सुंदरकांड में और एक लंकाकांड में और हम देखते हैं कि दो जगह उसकी विरदंत होती है एक विरदंत होती है हनुमान जी से तो मेघनाथ हनुमान जी पर भी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता है और अब हनुमान जी को तो यह वरदान था ब्रह्मा जी का कि मेरे बाण का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा पर अवस्था में उनको दे दिए थे लेकिन हनुमान जी को लगा कि मैं ब्रह्मा के बाण को स्वीकार कर देता हूं तो उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी ऐसा सोचकर वो मूर्छा स्वीकार कर लेते हैं लक्ष्मण जी भी मूर्छित होते हैं पर उनके जीवन में स्पष्ट रूप से मूर्छा की स्वीकृति नहीं है लेकिन हनुमान जी के मूर्छा में स्वीकृति क्यों स्वीकृति है कैसे पता है देखिए जो कोई आदमी मूर्छित होता है तो मूर्छित होकर ऐसी जगह पे गिरेगा कि उसको चोट लग जाएगी वो अंग भंग टूट जाएंगे कई लोग तो दुर्घटना के शिकार होकर के मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं लेकिन हनुमान जी जब मूर्छित होते हैं मूर्छा के परिणाम को अपने से बचा कर हनुमान जी रखते हैं क्योंकि वो मूर्छा को स्वेच्छा से स्वीकारते हैं हनुमान जी जब स्वेच्छा से मेघनाथ के बाण का आघात स्वीकार कर गिरते हैं तो पृथ्वी पर नहीं गिरते मेघनाथ की जिधर सेना है उधर गिरते हैं और परता ही बार कटुक संघारा गिरते गिरते बहुत से सेना मार डालते हैं यही हनुमान जी की भी कला है वो अपने गुणों के द्वारा दोषों का नाश करते हैं और ये उनके जीवन में यह जो दोष की स्वीकृति दिखाई देती है उसके द्वारा वो दोषों का विनाश करते हैं दूसरी ओर लक्ष्मण जी हैं वो मूर्छित नहीं किया जा सकते उन पर मेघनाथ के बाण का भला क्या प्रभाव होगा अब इसमें दो कहानी आती है जी ने अपने बोला था कि में, तो नहीं आता, पर देखता है और विभीषण को देखने के बाद अत्यंत क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होने के बाद वो जो वीर घातनी है वो चलाता है तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये विभीषण आ जाए तो विभीषण तो धक्का दे करके लक्ष्मण जी उस वास्तव को झेल देते हैं और उसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं पर यहाँ पे रामचरितमानस रामचरित मानस में तो अः ऐसा बताते हैं ना कि राम रावण के युद्ध में दो दिन होता है मेघनाथ की वीरता देखने में आती है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कुछ ऐसे बातें है कही हैं जो काम पर घटित भी होती है युद्ध के प्रारंभ में रावण की आधी सेना नष्ट हो गई वो चिंतित हुआ उसके मंत्री माल्यवान ने उसे कहा युद्ध बंद कर दो लेकिन रावण बहुत नाराज हुआ दुर्वचन रावण को धैर्य और दूसरे दिन अपना पुरुषवार्थ दिखाने का वचन दिया दूसरे दिन मेघनाथ ने बड़ा भयंकर युद्ध किया सब बानों को घायल कर दिया उसके प्राण मात्र से बचे उसका सब बल पुरुषवार्थ चाहता रहा वो हनुमान का बल जानता था इसमें आता है कि हनुमान का बल जानता है हनुमान के आसपास नहीं आता वो टालता रहता था कि हनुमान जी से हमारा आमना सामना ना पड़े और लक्ष्मण जी ने उसके रथ को तोड़ दिया सारथी को टुकड़े टुकड़े कर डाला मेघनाथ को अशक्त कर दिया तब वो मन में अनुमान करने लगा कि मैं लक्ष्मण से जीत नहीं पाऊंगा अतः उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति चला दी और जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हुए वीर घातनी छाणी से सागी तेज पुंज लक्ष्मण लागी मूर्छा भई शक्त के लागे तब चल गये निकट भय त्यागी इसके उपरांत दूसरे दिन कुंभकर्ण मारा जाता है फिर मेघनाथ फिर से रावण को धैर्य बधाया दूसरे दिन अपना पुरुष दिखाने का वचन दिया इस बार भगवान से जो भिड़ा और वो जो बाढ़ होता था तो सर्प होकर लगते थे फिर गरुड़ जी को ना, जी ले आए और गरुड़ जी ने उनके पास को काटा और उसके बाद वो यज्ञ करने चला गया अब बोलते हैं कि यज्ञ में विध्वंस नहीं करना चाहिए लेकिन यज्ञ क्या यदि उद्देश्य खराब है तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान था ये इस पे भी आया है कि ब्रह्मा उसको मालूम था कि जो उसको संगत थी कहीं हनुमान जी, जी मारेंगे लक्ष्मण जी मारेंगे क्योंकि वरदान था कि जिस लो जो बारह साल तक ना सोया हो ना अन्न ग्रहण किया हो वो उसी से उसकी मृत्यु होगी फिर इसके बाद मूर्छा से जब वो लक्ष्मण जाए उसके यज्ञ में बाधा पहुंचाई बुद्ध लड़ने के लिए ललकारा उस समय भयंकर ध्यु हुआ और लक्ष्मण ने उसे मार दिया लक्ष्मन मनयस मंत्र दृढ़ावा वा पापी मय बहुत खिलावा वा सुमेर धीस प्रताप सरसंधान कीन माझ उर लागा मरती बार कपटु सब त्यागा ये जो मरते समय कामना ने कपट को त्याग दिया समस्त छल कपट का प्रयोजन कामना को विजयी बनाता है मनुष्य अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है और उसमें छल कपट का सहारा लेता है किंतु यदि कामना नष्ट हो जाए तो कोई छल कपट फिर क्यों करेगा तो हमारी मूल समस्या ज्ञान या मोह है मन वही रावण है और जहाँ काम राम नहीं जहाँ राम नहीं काम तुलसी दो कैसे रहे चलो एक ठाम बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम